प्रसाद साहू जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, आपने टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है। देखिए, अगर आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पाएगी तो आपका कॉल कट कर दिया जाएगा। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, सवाल करिए। नमस्ते साहब जी। आदाब आदाब, बताइए साहब। हम अयोध्या से बोल रहे हैं, प्रसाद साहू। साहू साहब बताइए, क्या सवाल है? सर, हमको शुगर की बीमारी है। जैतून का तेल आप ही के यहाँ मिलेगा कि बाजार से लेना पड़ेगा? जैतून का सिरका। सिरका सिरका, अगर कहीं नहीं मिले, अगर कहीं नहीं मिले तो आप हमारे यहाँ से भी सेवा ले सकते हैं। ये बड़े दुकानदार रखते हैं, और अगर कहीं नहीं मिले तो हमारे यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने आ रहा है, और उस पर कॉल करके आप अपना ऑर्डर लिखवा दें तो आपको जल्द मिल सकता है। बिल्कुल हकीम साहब, डिमांड बहुत ज़्यादा जैतून के सिरके की चल रही है, और दर्शकों के भी लगातार कॉल्स भी आ रही हैं कि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि अगर हमारी कंपनी से वो मंगाते हैं, आपकी कंपनी से कोई भी अगर मंगवाता है तो उसको एक थोड़ी सी शिकायत हो जाती है कि बहुत ही देर में मिल रहा है। देखिए, ये शिकायत आज की नहीं है, बहुत पहले की है जी। और आप यकीन करें, हम इतनी कोशिश करते हैं कि ये शिकायत दूर कर दें। बिल्कुल। मिसाल तौर पर कभी हमारे पास कम होता है सिरका, तो हम उससे ज़्यादा बनाते जी। अब वो डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि उससे भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। फिर हम उससे ज़्यादा बनाते हैं तो वो शायद ये शिकायत हम पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि जिसको फ़ायदा हो जाता है वो उसका दीवाना हो जाता है। अब फिर वो एक आदमी 100 आदमियों को बता देता है कि ये चीज़ से फ़ायदा होता है। फिर वो एक ऑर्डर दो ऑर्डर तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन 100-100 ऑर्डर एक एक घर से निकलते हैं, तो हम बड़ी दुविधा में हैं। और शायद ये शिकायत हमें झेलने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन हम 15 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते। अक्सर हम फिर ऑर्डर लेना ही बंद कर देते हैं, जब इतना बढ़ जाता है तो हम बाद में ऑर्डर लेते हैं। 15 दिन के अंदर हम, अगर कोई हालात अच्छे रहें, जैसे लॉकडाउन ना हो, कर्फ्यू ना हो वगैरह वगैरह, तो हम 15 दिन के अंदर ज़रूर डिलीवरी की कोशिश करवाते हैं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स। पहले हैं कमलेश जी एमपी से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार अकिम साहब जी। आदाब कमलेश जी। सर, मैं ये कह रहा था, हमारी मम्मी को लकवा हो गया और उनको 3 साल से ऊपर हो गए, दवाइयाँ बहुत चली हैं, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी जो अच्छा हाथ, सीधा हाथ और पैर है, वो बहुत दर्द करता जी। अच्छा, दर्द करता है, तकलीफ रहती है उनको हाथ पैर में। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, दर्द तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। लकवे के लिए आप उन्हें खूब लहसुन खिलाया करें, अदरक खिलाया करें खाने में। और लकवे के लिए एक बड़ा अच्छा मटेरियल भी है, इसका जैतून का सिरका, रोज़ाना रात को 3 चम्मच पानी मिलाकर उन्हें पिलाया करें। ये उस चर्बी को जो हमारे दिमाग में फंस जाती है, जिसकी वजह से हमें लकवा होता है, खून में एक मोटापन आ जाता है चर्बी के साथ, कहीं बारीक नस में फंसने से हमें लकवा फालिज वगैरह होता है। तो ये अगर आप 6-7 महीने दें तो वो चर्बी को ही ढूंढ के निकाल के बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ते। दूसरा, जो दर्द होता है उसके लिए कैप्सूल टी केयर आप सुबह शाम दें, एक एक कैप्सूल बगैर चर्बी के दूध के साथ। चर्बी इनके लिए नुकसानदेह है, और आप देखिए फ़ायदा एक भी महीने में हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने देना ताकि ये इनका दर्द पूरी तरह चला जाए जी। तो कहना चाहेंगे जी कि थोड़ा सा आप बस धैर्य रखिएगा, परेशान नहीं होना है, पहले इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके ज़रूर आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल जब कुछ लोग करते हैं तो उनको सूट एकदम से नहीं कर पाता है, तो थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ ज़्यादा भी हो सकती है, तो घबराना नहीं है। सिर्फ आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको आगे करना क्या है, सारा प्रोसेस वो आपको बताएंगे, डिटेल में आप लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए, आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। कल्याणी जी हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका। यस मैम, नमस्ते। नमस्कार।
मैम मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कब से दिक्कत आ रही है और आपकी एज क्या है? मैम अभी तो 24 एज है मेरी और ये 3-4 साल से प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने मतलब काफी चीजें यूज की है ऐसे, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये कायम चूर्ण हुआ, कोई मतलब मैं कोई भी चूर्ण यूज करती हूँ या कोई मतलब मैं गर्म पानी डेली सुबह शाम खा के लेटती हूँ पीती हूँ, कुछ भी मतलब मुझे फायदा ही नहीं होता है। हकीम साहब ये वही है जो चूर्ण का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अच्छा देखिए, ये जो चूर्ण आप खाते हैं यही हमारे दुश्मन हैं। ये वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा होता है लेकिन हम हमेशा के मरीज बन जाते हैं। बेटा देखो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये हमारी आंतों पे एक चिकनाई होती है, लेमिनेशन होता है, ये चूर्ण उसको बिल्कुल निकाल देते हैं। अब जो लैट्रीन है हमारी आंतों से चिपकने लगती है, बस हम मरीज बन गए। ये जितने भी लोग आके कहते हैं कि त्रिफला खा लो, त्रिफला सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। त्रिफला को भी खाने का एक तरीका है, उसे पहले बादाम के तेल में भूनना होता है, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आंतों को उधेड़ देता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपको देखिए, मैं वो बताता हूँ कि आप ठीक कैसे होंगे। कैस्टोल ऑयल रोज़ाना 1-2 चम्मच पिया करिए और उसके बाद गर्म पानी पिए। ठीक है, तो ये आके आपकी आंतों में चिकनाई सी फैला देगी और आपके फुजलात फिसल के निकलने लगेंगे, लेकिन आप ठीक होंगी काफ़ी दिन में। बेल पत्थर आ जाएगी, पत्थर बेल, तो रोज़ाना आधी पत्थर बेल और बहुत सारा पानी पीना है। पत्थर बेल खूब खानी है, बेल पत्थर भी कहते हैं, पत्थर बेल भी कहते हैं, कोविट कहते हैं इंग्लिश में, जिसका शरबत भी बनाया जाता है, खोपड़ी जैसी होती है, पीली पीली, है ना, ये खूब खाना है और बहुत दिन तक खाना है। जब बेल पत्थर ख़त्म होने वाली हो तो इसका शरबत बना के रख लें बहुत सारा, ताकि अगली फसल तक आपका ये चलता रहे, बेल पत्थर का शरबत। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको लेना है बेल पत्थर का मुरब्बा, एक कतला, एक पीस सुबह एक पीस शाम खाइए बेल पत्थर का मुरब्बा, और जब बेल पत्थर आ जाए तो रोज़ खाना है। इससे आप ठीक हो सकते हैं लेकिन काफ़ी वक्त लगेगा। फ़िलहाल एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ धनिया 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम, सौंफ धनिया आंवला मेथी 200 ग्राम लीजिए, और नमक जैतून 150 ग्राम लीजिए, इसके साथ पाउडर बनाइए और आधा चम्मच 3 वक्त खाने के पहले खाया करिए, और जो कुछ मैंने बताया वो सब खाइए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। टाइम लगेगा लेकिन ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये आपको दोबारा से आपके आंतों का लेमिनेशन वापस करने की सलाहियत रखती हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर एमपी से शुभांश शर्मा हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी शुभांश जी, बताइए, सवाल करिए। हेलो बोलिए जी, मैं अशोक नगर एमपी से बोल रहा हूँ। मेरी माँ जी को श्वास की बीमारी है। जी, एज क्या है उनकी? एज है 52 साल। जी, तो देखिए जो दवा उनकी चल रही है वो उन्हें देते रहे, उसे रोकना नहीं। अभी हो सकता है 2-3 महीने में जाके उसको कम करके करते करते छुड़ाई जाए। तो कोई भी साहब ऐसा ना करें, अपनी ख़ासतौर पर सांस के बीमार के एकदम ना रोकें, और इनका मिजाज बदलने में बड़ा वक्त लगता है, इनको बलगम कम बने, बिल्कुल बनना बंद हो जाए, कफ निकलना शुरू हो जाए, इसके लिए टाइम लगता है। माजून आर केयर सुबह और शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से दें, और दिन में 5 बार गर्म पानी कम से कम पिलाएं, उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपकी माता जी को फ़ायदा शुरू हो सकता है।
जी। नेक्स्ट कॉलर अभिषेक कुमार झारखंड से, स्वागत है आपका अभिषेक जी। हेलो हेलो, चलिए शायद आपसे हमारा कांटेक्ट टूट गया है, फिर से आप कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, वैसे तो अभी समय काफ़ी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, अच्छे से बात कर लीजिएगा, अपना रोग बता दीजिएगा, आपको अच्छे नुस्खे बताए जाएंगे और साथ ही साथ आपको परहेज भी ज़रूर बताए जाएंगे। इसी के साथ दर्शक को आपसे भी कहना चाहूँगी, जो भी कॉलर्स यहाँ पर कॉल लगाते हैं, सबसे पहले तो टी वी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। देखिए बहुत दिक्कत बहुत परेशानी होती है हमें सुनने में और आप तक भी बात नहीं पहुंच पाती है हकीम साहब की, बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगती है। आप लोग 2 महीने 3 महीने इंतजार करते हैं, कई लोग तो सालों साल इंतजार करते रह जाते हैं, हकीम साहब से उनकी बात नहीं हो पाती है। तो समय की अहमियत को समझिए, क्योंकि अपना वक्त बहुत ही कीमती निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं लाइव। हकीम साहब आप लोग उनसे लाइव बात कर सकते हैं, तो फोन उठाइए, इन नंबर पर कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका पूरन जी, स्वागत है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ, आँख में पायरिया है 2 साल, वो 3 महीने हो गए जी, दांतों में पायरिया है 2-3 महीने से। तो देखिए, एक तो मल्टी विटामिन्स की कमी हो तो रोज एक कैप्सूल खाएं मल्टी विटामिन्स का, इसकी वजह से पायरिया होता है। और स्प्रिट आप जानते हैं, स्प्रिट जो डॉक्टर रूई में लगा के वो इंजेक्शन साफ करता है, फिर आपके इंजेक्शन लगाता है, वो स्प्रिट आती है नीली नीली सी, वो स्प्रिट अपने कॉटन में भिगो के उस पर रोज़ाना लगाया करें, जहाँ जहाँ पायरिया है थोड़े मुंह लटका के रखें, अंदर नहीं जानी चाहिए, तो इससे भी आपका ठीक होना मुमकिन है जी। जैसे कि इन्होंने अपने दांतों को लेकर यहाँ पे बात की है, ये ऐसी प्रॉब्लम किस वजह से हो जाती है, क्या खाने पीने का इसमें योगदान है या फिर कैविटी हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा हो जाती है? देखिए, मल्टीविटामिन्स कमी होती है तो मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है और दांतों में सड़न होने लगती है जी जी, जिससे अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो ज़रा सा मसूड़ा अपनी जगह से खून निकालने लगता जी, और मसूड़ों की मजबूती कम हो जाती है अगर मल्टी विटामिन ना लिए जाएं। तो एक तो मल्टी विटामिन मैंने इन्हें बताए हैं, और एक ऐसा स्प्रिट, क्योंकि ये कीटाणु नाशक होती है, अंदर नहीं जानी चाहिए, रोज़ाना एक दो बार कॉटन में करके लगाने से उसके कीटाणु भी मर सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुंदर रिहारी, एमपी सिवनी से मैम। ठीक है, सवाल आपका। मैम जी, मतलब पेट बहुत दिन से हो गया दर्द करता है, पूरा पेट पेट दर्द करता है जी। कुछ जांच वगैरह कराई बेटा आपने? जी सर, कोई जांच वगैरह कराई है आपने? कोई जांच कराई है आपने पेट की? कोई टेस्ट आपने कराया है क्या अभी तक? नहीं मैम, कोई टेस्ट नहीं कराया जी। नहीं, मतलब कि स्विनी से कराया मैम मैंने। जी मैम, तो क्या निकल के आया टेस्ट में रिपोर्ट? सब नॉर्मल बता रहा है मैम, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, सब नॉर्मल बता रहा है जी। ठीक है, बहुत अच्छा किया। जो लोग रिपोर्ट के बाद बात करते हैं तो हमें बड़ा इत्मीनान हो जाता है कि हम सही नुस्खा बताने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, और कोई समझदार लोग बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक आता है मुरब्बा बेल, बेल का मुरब्बा या मुरब्बा बेल के, ये कोविट का मुरब्बा इंग्लिश में कहते हैं, ये पीला पीला होता है और ये सुबह शाम एक एक पीस उसका खाया करें, बेल का मुरब्बा, और जब बेल पत्ता चल पड़े तो आप बेल खाया करें और पानी खूब पिया करें, सिर्फ इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ लीजिए 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम, ये सब लेकर 100 ग्राम आप लें जैतून का रसायन, आता है जैतून का नमक भी कहते हैं, जैतून का रसायन भी कहते हैं हिंदी में, और
एस्टेक जैतून भी कहते हैं, ये 100 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाना बेहतर है, आप पानी से लिया करें, इससे भी आपको फायदा होना मुमकिन है। जी अगली कॉलर है आरती एमपी से। आरती जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ बोलिए। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जी अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे तो आपको हमारी आवाज अच्छे से आएगी, क्लियर आएगी, लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम खोल के रखेंगे तो आपको आवाज नहीं आ पाएगी। आ रही है आपको आवाज मेरी? सवाल करिए। चलिए सवाल करिए। जी ठीक है आरती जी, आपने तो हमें ही कह दिया कि हमारी आवाज़ कम आ रही है, और जो भी लोग फ़ोन किया करें वो टीवी की आवाज़ बंद कम कर दिया करें और फ़ोन पर सुना करें, तो आवाज़ हमारी एंकर की बड़ी अच्छी है, सुरीली भी है और आती भी है। बहरहाल देखिए, पित्त की थैली में पथरी अगर 2 mm से ज़्यादा की है तो निकलना मुमकिन नहीं है, अगर इससे कम है तो 3 चम्मच जैतून का सिरका, 3 चम्मच जैतून का ऑयल, 2 चीज़ें हैं ये, लेकर आप पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करें सुबह खाली पेट, ये 1 हफ्ता पिए, अगर छोटी पथरी है तो निकलना